कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और यार आज एक नए दिन का आगाज करेंगे। आई जस्ट टुक अ शॉवर। अच्छा, और अभी इस वक्त टाइम कुछ हो रहा है 10:30-11 के दरमियान का। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, यहाँ के आसपास घड़ी भी नहीं है और फोन तो लगा हुआ है जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। टाइम कुछ इसी तरह का है। सो मैंने अभी शॉवर ले लिया है, अब हम थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे। तो मैंने एक और चीज की आज, केमिकल पील। शाबाश बेटा, के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग अपनी स्किन पर केमिकल पील करना चाहते हैं यानी कि केमिकल एक्सफोलिएशन, तो वो आप कैसे कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट 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 है। ठीक है, तो मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएशन हर किसी की स्किन को सूट नहीं करती, लेकिन जब आपकी स्किन यूज टू हो जाती है तो फिर केमिकल एक्सफोलिएशन से ज्यादा अच्छी कोई एक्सफोलिएशन। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्सफोलिएशन नहीं होती यार आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई। अच्छा गाइस, दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने शॉवर भी ले लिया है, अब हम लोगों ने केमिकल एक्सफोलिएशन भी कर ली है। सो मैं अब धूप में नहीं जाऊंगी आज पूरा दिन। वैसे ऐसे तो नहीं होता है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि केमिकल एक्सफोलिएशन आप लोग जब भी करें तो आप लोग डे टाइम में ना करें, नाइट टाइम में करें। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अभी दिन में कर ली, मतलब सुबह में कर ली, तो यानी कि दिन ही है ना यार, ऑब्वियसली उठा ले रहे थे। तो लेकिन ये है कि मैं अभी धूप में आज नहीं जा सकती, अगर जाऊंगी तो मुझे बहुत हैवी 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 सनस्क्रीन अप्लाई करके जाना पड़ेगा। सो सनस्क्रीन तो वैसे भी मस्ट मस्ट मस्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट स्किप कर सकते हैं, वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट अगर स्किप करना चाहें बट सनस्क्रीन आप कभी स्किप नहीं कर सकते। वो हाउस वाइफ्स और लेडीज जो कि चूल्हों के पास भी खड़े होकर काम करती हैं, तो उनके लिए भी सनस्क्रीन लगाना मस्ट मस्ट मस्ट, एंड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस नो मैटर व्हाट। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अच्छा, अब दूसरी बार मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हम लोगों ने केमिकल एक्सफोलिएशन कर ली। ठीक है यार, कितनी बार बताऊंगी। आई एम सॉरी बाबू। तो अब मैंने अपनी स्किन को सूद आउट करना है। सूद आउट करने के लिए मुझे अप्लाई करना है एक अच्छा सा मास्क, सूदिंग मास्क। तो यार आप लोगों को याद है कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था एक जेल वाला मास्क। जल्दी से भाग के आ जाओ। कहाँ चली गई? ये एमके कॉस्मेटिक्स का है जी, एलेक्सर रिजुविनेटिंग जेल मास्क, क्यूकम्बर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। तो हम लोग अब ये अप्लाई करेंगे क्योंकि यार सूद आउट करनी है तो क्यूकम्बर खीरे से अच्छी तो कोई चीज हो भी नहीं सकती है। What? तो ये अप्लाई करके मैं आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा यार, यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ, ये जेल मास्क था, इसने बड़ा रिफ्रेशिंग और कूलिंग कूलिंग ठंडा ठंडा सा इसको फेस पे ये लग रहा था। सो इट्स क्वाइट नाइस, मुझे ये मास्क बहुत अच्छा लगा है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन डेफिनेटली बाय, इट सूट्स योर स्किन। तो यार ये सीन था, यहाँ पर मैं बस यूँ मास्क अप्लाई कर रही हूँ और बस अप्लाई ही किए जा रही हूँ, और कूलिंग फील हो रही है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है फेस पे, सो इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग यू नो। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम आफ्टर 15 मिनट्स। बाय। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। बात बताती हूँ कि यार आप लोगों ने जब केमिकल एक्सफोलिएशन करनी है ना, उसके बाद आप कोई हार्ड सीरम नहीं यूज कर सकते, लाइक बहुत हार्श सीरम आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आप लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, यानी कि हाइलुरोनिक सीरम आप लोग यूज कर सकते हैं। सो मैं वही कर रही हूँ ताकि स्किन मजीद जो है वो सूद आउट के बाद स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत 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 अच्छा रहता है। ओके सो गाइस, आई एम डन विद एवरीथिंग, लाइक एवरी स्किन केयर स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए हैं। मॉइस्चराइजर भी हो गया, सीरम भी हो गया, मॉइस्चराइजर भी हो गया, हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगाई है, खैर ये स्किन केयर में तो नहीं आता बट मैंने लगा लिया। मैंने क्या किया है जी, हाँ मैंने ये किया है कि मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद आई क्रीम लगाई है, लैशेस को कर्ल किया है, अभी मैंने कोई मस्कारा कोई काजल कुछ नहीं लगाया हुआ, आईब्रोज भी फिल नहीं की हुई, बस सिर्फ स्किन केयर किया यार। निकल लौड़े। सो गाइज, यहाँ पर मैंने मंगवाए थे हलीम घर से बिरयानी अपने लिए, ये तरबूज काटा था और साथ में बिरयानी थी, और हलीम घर की बहुत टेस्टी बिरयानी है यार इनकी। सो मैंने ये खाया और देखें आप लोग, फिर मैंने इसी को प्लेट में डाल दिया, चावलों को, कबाब भी बहुत अच्छे थे।
तो यार बड़ा मज़ा आया, ये मैंने थोड़े गिरा दिए थे तो मैं इनको ठीक कर रही थी, सेट कर रही थी, और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैं चावल खाने की कोशिश कर रही थी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना फूड।